Before the NEP lays a clear emphasis on the Nipun Bharat, Madhya Pradesh started its journey and significant step was creating the creative TLM. ये जो टीचर हैंडबुक है वो टीचर के लिए इस्तेमाल करने के लिए दी गई थी और इसी तरीके से वर्कबुक जो थी वो बच्चों के लिए थी, दोनों का तालमेल है। अगर हम मोटा मोटा देखें तो ये पूरी की पूरी टीचर हैंडबुक एक लेसन प्लान है और कुछ सप्ताहों का, 32 सप्ताह का लेसन प्लान इसके अंदर रिकॉर्डेड है। जब हमने शुरुआत में देखा तो शुरुआत में ही हमको देखने को मिला था एक टीचर ट्रेकर। तो टीचर ट्रेकर सिर्फ इसलिए था कि हम बच्चों को ये बता पाएँ, मतलब हम ये अनुमान लगा पाएँ कि हम इस समय कहाँ पर हैं। और टीचर ट्रेकिंग के बाद में इस तरीके के लेसन प्लान हैं जो कि बटे हुए हैं और काफ़ी चरण हैं इसमें, और इसी तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, वर्ण ज्ञान, और उसके बाद शब्द भंडार, और अंत में आता है स्वतंत्र पठन। तीनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन, टेक्स्ट बुक पर आधारित अभ्यास पुस्तिका, उस अभ्यास पुस्तिका और टेक्स्ट बुक पर शिक्षक काम कैसे करेगा उसके लिए उसके पास एक शिक्षक संदर्भ का जिसमें समस्त पाठ योजनाएं डे टू डे दी गई हैं वो शामिल की गई। कमल, अरे कमल में तो माँ आता ही नहीं है। FLN का जो कार्यक्रम था उसमें शुरुआती दौर में एक 12 सप्ताह का एक कार्यक्रम था जो कक्षा 1-2 में कॉमन चला करता था। उसमें बच्चे को कहानी कविताओं के द्वारा जुड़ाओ जिससे कि बच्चे शाला में आए, और जब बच्चे एक बार शाला में आ जाएंगे उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में 8 चरण में हम लोगों को किसी भी चीज़ को समझाया जाएगा। बड़ा अच्छा लगता था बच्चों को जब हम कक्षा में जाते थे और सीधे जाके बच्चों से बोलते थे कि बेटा आज हम मौखिक भाषा पे बात करने वाले हैं और आज हम आपको चित्र पे चर्चा करेंगे। शुरू करें, क्या दिख रहा है बेटा? तो हमारे पास एक शीट हुआ करती थी, चित्र बना हुआ होता था, तो उस चित्र को दिखाते थे बच्चे, बड़े एंजॉय में देखते थे कि इसमें चिड़िया भी है, कबूतर भी है, अरे कबूतर उड़ रहा है, अरे वहां पर सांप भी है। तो जब बच्चे देखते थे तो उनके हाव भाव से ऐसा लगता था कि उनकी चेतना से ही वो बच्चे अपने जो विचार है मन में वो विचार बोल पा रहे हैं। पहले मौखिक भाषा से हमने बात की बच्चों से, उसके बाद में फिर ध्वनि जागरूकता होगी, तो हम उसको क शब्द की ध्वनि बुलवाएंगे। मटर, मटर, पहले पहली ध्वनि माँ तो ऊपर आती। बेटा क शब्द से जुड़ा हुआ कोई भी अक्षर बताओ। कोई कहता मैडम कहानी, कोई कहता है कबूतर, तो ऐसे अलग अलग शब्द मिलके बच्चे बोलते जाते हैं और मैं बोर्ड पे उन शब्दों को लिखती जाती हूँ या चित्र बनाती जाती हूँ छोटे छोटे से, तो उन्हीं से उनके बहुत सारे शब्द भंडार निकल के आते हैं। पहले तो वर्ण बहुत अच्छे से सीख लिया, और वर्ण के साथ ही उसमें डिकोडिंग आता है, बच्चों को तोड़ तोड़ के शब्दों को बताना है। जैसे कलम, तो अगर एक साथ पढ़ते हैं तो फिर मैं पूछती हूँ कि कितने बार इसमें वो अक्षर थे, तो वो नहीं बता पाते, तो उन्हें वही जो हमें ट्रेनिंग में बताया था कलम 3 अक्षर का है, तो अब जैसे ही 2-3 दिन प्रैक्टिस करी तो पहले ही नीचे हाथ करके और कर लेते थे, तो इससे बहुत बच्चे अक्षर वर्ण सब सीख गए। अरे कौवा, बिल्ली और खरगोश। पहली बार पता चला कि रीडिंग के भी कुछ चरण होते हैं। सबसे पहले हमको रीड अलाउड करना है, शेयर रीडिंग करना है, गाइडेड रीडिंग करना आएगा, और उसके बाद बच्चे इंडिपेंडेंट रीडिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि बस सुना दिया बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल आनंद के साथ में, हाव भाव के साथ में उसका हम मंचन कर रहे हैं, बच्चों को किरदार दे रहे हैं, बच्चे उस किरदार में उतर के कहानी का पठन कर रहे हैं, कहानी के एक ड्रामा के रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर रहे हैं। जब उन्हें हम ये कहानियों की रंग वाली किताबें देते हैं, इनमें बच्चों को जैसे चित्र के द्वारा स्वतंत्र अभिव्यक्ति करना हम सिखाते हैं, तो इसमें बच्चों को सिर्फ एक चित्र बताया कि इसमें क्या है, तो बताएंगे कि दो चूहे हैं दीदी, एक बिल्ली है, कलर कौन सा है, तो बताएंगे कि ये कलर है, फिर हम नीचे वाली लाइन पढ़ के उन्हें बताते हैं। कभी ऐसा भी होता था क्लासरूम में कि किसी एक घटक पे हम ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं और दूसरे घटक हमसे छूट भी जा रहे हैं,
तो ये एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे कि भाषा के आठों घटक पर बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से बताया गया। 25, 5, very good, 12। मैथ्स में भी हमने बहुत अच्छा काम करा। पहले आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक कॉन्सेप्ट हमको दिया गया था, CCP है। पहले कॉन्सेप्ट निर्धारित करना है, फिर हमको कॉन्क्रीट मटेरियल का यूज करना है, फिर पिक्टोरियल पे जाना है, और अंत में एब्स्ट्रैक्ट निकल के आएगा बच्चे ने क्या सीखा। जो पहला सी है वो बहुत ही जरूरी है, ये हमने सीखा, क्योंकि जब तक किसी भी बच्चे की अवधारणा का स्पष्ट नहीं होगी तो वो पूरी चीजें कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब दूसरा सी था कि आप बच्चों को आप ऐसी कुछ वस्तुएं ला के दीजिए या कक्षा कक्ष में पहचानने को कहिए। ये वाली लंबी बोतल है और छोटी बोतल कौन सी है? ये वाली। तीसरा इसमें पिक्टोरियल था। ये आप देखेंगे किताब में बहुत सारे चित्र होते हैं, पोस्टर्स में हम लोग बहुत सारे चित्र देते हैं, बहुत सारे चित्र हम लोग अपने हाथ से बोर्ड पे बना देते हैं। ये कई मौके होते हैं बच्चे को चित्रों में देखने के। अब चित्र के बाद बच्चों को जब आप बातचीत करेंगे वो होगा एब्स्ट्रैक्ट, CCPA, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त में। गणित अमूर्त होती है, इसलिए हम लोग अमूर्त तक लाने के लिए इस पूरे CCPA के प्रक्रिया को लेके आते हैं। पाँच, पाँच के पहले क्या आता है? चार, चार, ये चार आ गया। जब बच्चे इन संख्याओं से अच्छी तरह वाकिफ हो जाते हैं, सीख जाते हैं इनको पहचानना, उनको कुछ पहाड़े भी याद हो जाते हैं, तब इसको वो कर सकते हैं गुणा वाले को। बाकी जोड़ घटाओ तो वो संख्या समझ जाते हैं, 50 तक की भी तो कर लेते हैं। इस कार्ड पे छोटे अंक हैं 11 और 10, इनको जोड़कर 21 बनता है। तो उस बच्चे से कहा जाए कि भैया चल 21 बन गया, तूने जोड़ना तो सीख लिया 21, पर इसमें 21 को पहचान, तो वो इस कार्ड के बहाने 21 ढूंढेगा और इस कार्ड को 21 पर रखेगा, तो इसमें उसकी वो संख्या भी पहचान लेगा और जोड़ भी सीख जाएगा। बच्चे की लर्निंग के लिए स्थानीय भाषा में सामग्री तैयार करनी होगी। वो जो निपुण के लक्ष्य जो आए थे भारत सरकार के द्वारा, उस लक्ष्य के पोस्टर को हमने हिंदी अंग्रेजी के अलावा 8 अन्य क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में हमने उनका अनुवाद कराया है। हम लोगों ने ट्राई लैंग्वल एक तरीके से जो मटेरियल तैयार किया है, 50 हमने ऐसी रीजनल बाल साहित्य को तैयार किया है जो हिंदी में है, उसके बाद वो निवाड़ी, बघेली, बुंदेली या मालवी, इन चार में से जो भी उस क्षेत्र में बोली जाती है, जो भी उस रीजन में बोली जाती है उस भाषा में उसका अनुवाद है। और इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों के साथ एजुकेशन अलायंस और उनकी पार्टनर संस्थाएं जैसे रूम टू रीड, विक्रमशिला और सोल सार्क जैसी संस्थाओं ने हमारी मदद की। We have also developed material for grade 3 that will be available to our schools in the academic year 23-24.